हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते केमचन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने आपको सिखाया है ये लुक क्रिएट करके, जो बहुत ही इजी है। इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने बहुत ही मिनिमम और सिंपल चीजें यूज की है। आपके पास जो भी मेकअप अवेलेबल हो उसमें से इजीली आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो। ये लुक जो मैंने क्रिएट किया है उसमें आई मेकअप जो है वो बहुत ही सिंपल है विथ बोल्ड लिप्स। सो इंडिया में अभी ढेर सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, संडे को राखी है, सो आप ये जो मेकअप लुक है वो इस रक्षाबंधन में जरूर क्रिएट कीजिए और मुझे मेरे सोशल्स पे जरूर टैग कीजिए अगर आपने इसे रिक्रिएट किया है तो। वीडियो जो है वो एंड तक पूरा देखिए क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की है। सो मेरी आज की जो इयररिंग्स है वो है बाय ज़वेरी पर्ल्स और इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और मेरे पिछले वीडियो में मैंने अनाउंस किया था एक मेगा गिव अवे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को दीजिए एक बिग फैट थम्स अप। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल्स। मैंने अपनी स्किन को पहले से ही प्राइम कर लिया है विद अ मॉइस्चराइजर और साथ में लगा लिया है एक लिप बाम ताकि मेरे लिप अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए क्योंकि लास्ट में हम लगाने वाले हैं एक लिक्विड लिपस्टिक। सबसे पहले मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ प्राइमर से। प्राइमर कभी भी स्किप मत कीजिए क्योंकि ये आपके मेकअप को हमेशा होल्ड करके रखता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये इनसाइड का प्राइमर यूज करके। ये है इसका 3-in-1 प्राइमर। सो ये प्राइमर बेसिकली एक जेल फॉर्म में आता है, ये थोड़ा सा सिलिकॉनी बेस्ड है तो ये आपके पोर्स को बहुत ही अच्छे से ब्लर करेगा। और इसे मैं लगा रही हूँ मेरे टी जोन में सबसे पहले। फाउंडेशन के लिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ लैक्मे मूज फाउंडेशन से क्योंकि ये आपकी स्किन पे बहुत ही लाइट वेट है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है और मीडियम कवरेज देता है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आप देख सकते हो बिल्कुल मूज लाइक है। तो इसे मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मेरी स्किन में ब्लेंड करती जाऊंगी। हमेशा याद रखिए, चाहे आप कोई भी फाउंडेशन यूज करें हमेशा इसे इक्वली पहले स्प्रेड कर लीजिए आपके फेस पे फिर इसे अप्लाई कीजिए, नहीं तो एक ही स्पॉट पे बहुत ज्यादा फाउंडेशन लग जाएगा और फिर वो ब्लेंड नहीं होगा इजीली। और मूज फाउंडेशन स्पेशली आप अपनी फिंगर्स से ब्लेंड करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है। देख सकते हो कि ये फाउंडेशन मेरे स्किन में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है और ये फाउंडेशन थोड़ा सा ऑक्सीडाइज भी होता है, इसलिए ये आपकी स्किन टोन से मैच करने के लिए हमेशा एक शेड लाइटर लीजिए। सो नेक्स्ट कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एलिगर्ल का प्रो कंसील इन द शेड प्योर बेज। ये कंसीलर एक्चुअली बहुत ही हाई कवरेज कंसीलर है तो इसे मैं थोड़ा सा ही लगाने वाली हूँ और फिंगर्स से अगेन ब्लेंड करती जाऊंगी। कंसीलर को मेरी फिंगर टिप से ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का लूज पाउडर इन द शेड लाइट टू मीडियम टू सेट माय कंसीलर। सबसे पहले मैं सेट करने वाली हूँ इस पाउडर से मेरी आई एरिया को और फिर पूरे फेस को। क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मैं अपने पूरे फेस को सेट करने वाली हूँ। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप सिर्फ अपनी आईज को सेट कीजिए और ओनली ऑन द प्लेसेस जहाँ पे आपने कंसीलर लगाया है उसे सेट कीजिए। और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप की स्किन है तो आप अपने आईज के साथ आपके टी जोन को भी इक्वली सेट कीजिए। सो
अब क्योंकि मेरा फेस बहुत ही प्लेन और फ्लैट दिख रहा है, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रॉन्जर। इससे मैं मेरे फेस में जो शेडोज है वो वापस लेके आऊंगी ताकि हमारा फेस थोड़ा डायमेंशनल दिखे। ये पाउडर बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है इसलिए स्टार्टिंग से इसे थोड़ा ही यूज कीजिए। सो नेक्स्ट ब्लश के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेरा एसेंस का ब्लशर, और क्योंकि ये एक लाइट पिंक शेड में है और इसमें आपको ओम्ब्रे इफेक्ट मिलता है तो आप जितना चाहिए उतनी इंटेंसिटी आपके ब्लशर की बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आज लाइट रखना चाहूंगी मेरा ब्लश। सो मैं अपना ब्रश स्वाइप कर रही हूँ ये सबसे लाइटेस्ट पार्ट में। नेक्स्ट हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेरा शुगर का मिनी हाइलाइटर इन द शेड शैम्पेन। सो मेरे फेस का जो बेस मेकअप था वो फिनिश हो चुका है तो इसे मैं सबसे पहले लॉक करूंगी एक सेटिंग स्प्रे से। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये लॉरियल का सेटिंग स्प्रे। बॉटल को हमेशा अच्छे से शेक कीजिए स्प्रे करने के पहले। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आई मेकअप। आई लुक जो है वो मैं बहुत ही सिंपल रखने वाली हूँ जो आपके लिए भी बहुत ही इजी होगा करने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम सेट करेंगे हमारी ब्राउज। स्पूली से सबसे पहले मैं अपनी ब्राउज को ब्रश करने वाली हूँ ऊपर के साइड में एंड फिर मैं इसे सेट करने वाली हूँ। सो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ आज ये मेरा वेट एंड वेल का ब्राउ किट। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये मीडियम शेड इन माय इनर 1/3 ऑफ द आईब्रो। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ये डार्केस्ट शेड इन माय आउटर 2/3 ऑफ द आईब्रो। हमारी आईब्रोज करके हो गई है और अब चलते हैं हम हमारे आई शेडो की तरफ। आई शेडो के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक दिखाने वाली हूँ जिसमें आपको चाहिए सिर्फ 2 शेड्स। सो आज मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का पैलेट रोज इन द एयर, और सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे हमारा क्रीज यूजिंग दिस शेड। सो यहाँ पे मैं अच्छे से अपने ब्रश को पूरा कोट कर रही हूँ इस शेड से। इसे डस्ट करेंगे पहले और स्टार्ट करते हैं हमारा क्रीज। ये जो पैलेट है ये बहुत ही पिगमेंटेड है, आप देख सकते हो कि मैंने एक ही बार अपना ब्रश डिप किया था और बहुत ही अच्छे से हमारा क्रीज हो चुका है। सो नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ये हाइलाइटर जो हमने यूज किया था हमारे हाइलाइटिंग के लिए ऑन आवर फेस, और इसे मैं अप्लाई करने वाली हूँ मेरे लिड एरिया पे। सो यहाँ पे अगेन मैं मेरी फिंगर्स यूज कर रही हूँ इसे अप्लाई करने के लिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि ये हाइलाइटर लगाते वक्त आपको आपके लिड्स के एरिया पे ही सिर्फ लगाना है, उसके ऊपर नहीं जाना है। सो नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो ऑन माई लिड्स जहाँ पे हमने हाइलाइटर अप्लाई किया है। ये है इन द कलर गोल्डन और इसका जो शेड नेम होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा। क्रीज ब्रश लेके इसकी एजेस को सिर्फ एक बार ब्लेंड कर लूंगी। सो फ्रेंड्स ये जो प्रोडक्ट है स्विस ब्यूटी का ये लगाने में आई लिड्स के ऊपर बहुत ही कन्वीनियंट है और इसकी जो शाइन है वो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके जो शेड्स है वो बेस्ट वर्क करते हैं अगर आप इसे एक बेस आई शेडो देते हो सेम कलर का। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये NYB का काजल इन माई लोअर वाटर लाइन। Oh,
नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ये शेड इन माई लोअर लैश लाइन और साथ में मैं ब्लेंड करती जाऊंगी मेरा काजल एक स्मोकी इफेक्ट देने के लिए। नेक्स्ट अगेन मैं इस हाइलाइटर को लगा रही हूँ मेरे ब्राउ बोन्स के हाइलाइटिंग के लिए एंड इन माय इनर कॉर्नर ऑफ द आईज। लाइनर के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेरा मेबेलिन का लाइनर। और मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये लैश पैराडाइज बाय लॉरियल। नेक्स्ट लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये एक्सपोज बाय इन कलर का लिक्विड लिपस्टिक। इसका जो शेड है वो बहुत ही ब्राइट पिंक कलर का है और ये ट्रांसफर प्रूफ है और इसका जो शेड नेम है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और लिपस्टिक के साथ फिनिश होता है हमारा आज का ये मेकअप लुक। तो चलो देखते हैं कि ये कैसा टर्न आउट हुआ है। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में अनाउंस किया था एक गिव अवे और उसमें मैं आपको दे रही हूँ ये मेकअप रेवोल्यूशन का 3-in-1 पैलेट जिसमें आपको मिलता है ब्लश, कॉन्टूर और हाइलाइटर। ये पैलेट जो है वो है वर्थ ₹1,350 और ये बहुत ही कन्वीनियंट है ट्रैवलिंग के लिए स्पेशली। सो गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए और क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन है तो स्पेशली अगर आपको मेकअप सीखने में इंटरेस्ट है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आगे आ रहे हैं काफी सारे मेकअप वीडियोस और ये जो वीडियोस है वो स्पेशली फॉर बिगनर्स होंगे। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।